हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवीण ठाकुर आज जिस विषय को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश द्वारा CUHP द्वारा MA हिंदी के लिए 2017 में एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाया गया था। CUHP MA हिंदी एंट्रेंस टेस्ट 2017 का मैं क्वेश्चन पेपर आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूं। तो जो लोग CUHP से जो है MA हिंदी में करना चाहते हैं उन लोगों के लिए यह क्वेश्चन पेपर जो है की तैयारी किस प्रकार करें और सिलेबस क्या क्या होता है उनके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और यदि आपको 2016, 2018 और 19 के जो है हिंदी के जो है क्वेश्चन पेपर अगर आप लोगों ने देखने हैं तो वो भी आप मेरे चैनल में जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो यह पेपर कंडक्ट करवाया गया था 2017 में जो है CUHP MA हिंदी के लिए। तो ये मैक्सिमम मार्क्स जो है इसमें 60 थे और जो है टाइम जो है इसमें 1.5 आवर कर दिया गया है। तो जो है नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान वर्तमान समय में इसमें रहता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो जो इसमें कुछ एक प्रश्न पूछे गए थे आपको ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है जब भी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो। तो जो इसमें प्रश्न पूछे गए थे, पहला प्रश्न पूछा गया था प्रसिद्ध सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया किस कवि के गुरु थे। तो प्रश्न पहला जो पूछा गया था, प्रसिद्ध सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया किस कवि के गुरु थे। तो इसका आंसर जो है सी है, ये अमीर खुसरो के गुरु थे। तो एक का आंसर जो है सी रहेगा। प्रश्न नंबर दो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि भक्तिकाल की संत परंपरा में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर जो है सी रहेगा, नंद जो है दास जो कवि थे यह जो है संत परंपरा में शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर तीन जो पूछा गया था वो था अष्ट छाप के संस्थापक कौन थे। तो अष्ट छाप के जो संस्थापक थे वो थे विट्ठलनाथ। तो विट्ठलनाथ अष्ट छाप के संस्थापक थे, तीन का आंसर जो है बी रहेगा। चार नंबर प्रश्न पूछा था इस्तवार द ला लिटरेरियू एंड्यूई हिंदुस्तानी किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इस्तवार द ला लिटरेरियू एंड्यूई हिंदुस्तानी किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो ये लिखी थी गार्सा द तासी द्वारा यह रचना लिखी गई थी। तो चार का आंसर जो है सी रहेगा। प्रश्न नंबर पाँच जो पूछा गया था वो पूछा गया था कबीर शब्द का क्या अर्थ है। तो कबीर शब्द का अर्थ होता है महान या बड़ा। तो पाँच का आंसर जो है ए रहेगा। प्रश्न नंबर छः जो पूछा गया था वो था कि लक्ष्मीपुरा नामक रिपोर्ताज के लेखक कौन है। तो लक्ष्मीपुरा नामक रिपोर्ताज के जो लेखक है वो है शिवदान सिंह चौहान। तो छः का आंसर जो है बी रहेगा, शिवदान सिंह चौहान। प्रश्न नंबर सात जो पूछा गया था CUHP MA एंट्रेंस 2017 में वो था निम्नलिखित में से कौन बल्लवाचार्य के शिष्य नहीं थे। तो इसका आंसर जो है सात का सी रहेगा, नंद दास जो है बल्लवाचार्य के शिष्य नहीं थे। प्रश्न नंबर आठ पूछा गया था पृथ्वीराज रासो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन पृथ्वीराज की रानी नहीं थी। पृथ्वीराज रासो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन पृथ्वीराज की रानी नहीं थी। तो जो लखीमा है एट का आंसर ए है, यह पृथ्वीराज की रानी नहीं थी। नाइन नंबर प्रश्न पूछा गया था 1927 में दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो 1972 में दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो इसका आंसर जो है बी रहेगा, उर्वशी जो उनकी रचना है इसके लिए 1972 में जो रामधारी सिंह दिनकर है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। प्रश्न नंबर टेन जो पूछा गया था वो था कि गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम था। तो गोरखनाथ के गुरु का जो नाम था वो था मत्स्येंद्रनाथ जो है गोरखनाथ के गुरु का नाम था। दस का आंसर जो है बी रहेगा। प्रश्न नंबर ग्यारह जो पूछा था वो था प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन भारत में कब हुआ। तो 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन भारत में हुआ है, सेशन भारत में हुआ है। 11 का आंसर बी रहेगा। 12 नंबर प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिमुक्त परंपरा में नहीं आता है। तो जो मतीराम है यह कवि रीतिमुक्त परंपरा में नहीं आता है। 12 का आंसर डी रहेगा, मतीराम। 13 नंबर जो प्रश्न पूछा था वो था राहुल सांस्कृत्यान ने आदिकाल
का प्रथम कवि किसने माना है? तो राहुल संस्कृतान ने जिसको जो है आदिकाल का प्रथम कवि माना है वो है सरहपा। सरहपा को जो है राहुल संस्कृतान ने आदिकाल का प्रथम कवि माना है। प्रश्न नंबर 14 जो है वो था, निम्नलिखित में से किसी साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है? तो 14 का आंसर बी रहेगा, रामचंद्र शुक्ल को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है। प्रश्न नंबर 15 जो पूछा गया था वो था, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की नहीं है? तो जो भारत भारती है यह रचना जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की नहीं है। तो आंसर जो है 15 का सी रहेगा। 16 नंबर जो प्रश्न पूछा था, इनमें से कौन अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण है? तो इसका आंसर 16 का बी रहेगा, जो र है यह अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण है। और 17 नंबर प्रश्न पूछा था कि कलकत्ता की बोली क्या कही जाती है? तो जो कलकत्ता की बोली है उसको टकसाली कहा जाता है, तो टकसाली कलकत्ता की बोली है। प्रश्न नंबर 18 जो पूछा था वो था कि भारत की राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो जो अनुच्छेद 343 है यह भारत की राजभाषा से संबंधित है। 18 का आंसर जो है सी रहेगा। 19 नंबर प्रश्न पूछा था, त्रिपिटक किस भाषा में लिखे गए हैं? तो जो त्रिपिटक है यह पाली भाषा में लिखे गए हैं। 19 का आंसर जो है बी रहेगा, त्रिपिटक जो है पाली भाषा में लिखे गए हैं। 20 नंबर प्रश्न पूछा था कि देवनागरी लिपि में स्वर ध्वनियों की संख्या कितनी है? तो देवनागरी लिपि में स्वर ध्वनियों की जो संख्या है वो है 11। तो बी का आंसर जो है सी रहेगा, 11 देवनागरी लिपि में जो है स्वर ध्वनियां जो है 11 है देवनागरी लिपि में। 21 नंबर प्रश्न पूछा था, जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो जो जैन साहित्य लिखा गया है यह प्राकृत भाषा में लिखा गया है। 21 का आंसर जो है ए रहेगा। 22 नंबर प्रश्न पूछा गया था, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है? तो इसका आंसर जो है ए है, ब्राह्मी। तो जो है देवनागरी लिपि का विकास जो है ब्राह्मी लिपि में हुआ है, तो 22 का आंसर ए रहेगा। 23 नंबर प्रश्न पूछा था, जयपुरी भाषा का दूसरा नाम क्या है? तो जयपुरी भाषा का जो दूसरा नाम है इसको जो है डूढ़ाडी के नाम से भी पुकारते हैं। 23 का आंसर जो है सी रहेगा। 24 नंबर प्रश्न पूछा था, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसकी अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति का गठन किया था? उत्तर प्रदेश सरकार ने किसकी अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति का गठन किया था? तो ये जो गठन किया गया था वो किया गया था जो है आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में। तो 24 का आंसर जो है ए रहेगा। 25 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वो था, निम्नलिखित में से किसकी अवधि ठेठ ग्रामीण अवधि है? तो जो जायसी है, जायसी की अवधि जो है वो ठेठ ग्रामीण अवधि है। 25 का आंसर डी रहेगा, जायसी। 26 नंबर जो प्रश्न पूछा था वो था, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी जो है मराठी भाषा की लिपि है। 26 का आंसर सी रहेगा। 27 प्रश्न पूछा था, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म जो है एटा में हुआ था। तो 27 का आंसर जो है ए रहेगा। 28 नंबर जो प्रश्न पूछा था वो पूछा था कि खस प्राकृतिक से किस भाषा का विकास हुआ है? तो 28 का आंसर जो है सी रहेगा, जो पहाड़ी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी से खस प्राकृतिक भाषा का विकास हुआ है। 29 जो नंबर प्रश्न पूछा गया था वो था, निम्नलिखित में से किसने ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति यूनानी लिपि से मानी है? तो नीचे कुछ एक विचारक दिए गए हैं, इनमें से आपने बताना है कि ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति जो है यूनानी लिपि से किसने मानी है। तो जो जेम्स प्रिंसेप है, जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति यूनानी लिपि से मानी है। तो 29 का आंसर जो है सी रहेगा, सॉरी 29 का आंसर जो है बी रहेगा, जेम्स प्रिंसेप। 30 नंबर प्रश्न पूछा था कि किस बोली की प्रधान प्रवृत्ति औकारांत शब्द है? किस बोली की प्रधान प्रवृत्ति औकारांत शब्द है? तो इसका आंसर जो है डी रहेगा, ब्रज भाषा जो बोली है इसकी प्रधान प्रवृत्ति है औकारांत शब्द है। तो 30 नंबर प्रश्न ये था। 31 नंबर जो प्रश्न पूछा था वो था, निम्नलिखित में से कौन सा जो कहानी संग्रह है वो जयशंकर प्रसाद का नहीं है? तो जो इसका आंसर रहेगा सी, ज्ञानदान जो कहानी संग्रह है जयशंकर प्रसाद का नहीं है। अगला प्रश्न पूछा था, प्रश्न नंबर 32, प्रेमचंद के नीमन उपन्यासों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो है क्रम से बताने वाला कौन सा विकल्प सही है? तो आपने प्रेमचंद के जो उपन्यास है उनको प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो है क्रम में बताना था। तो इसमें जो है ये बी, 32 का बी आंसर जो है सही रहेगा, 32 का जो है बी आंसर ठीक होगा। 33 नंबर जो प्रश्न पूछा था वो था, ए लड़की
किसके द्वारा रचित उपन्यास है? तो जो ए लड़की जो उपन्यास रचित किया गया है, यह रचित किया गया है कृष्णा सोबती द्वारा। 33 का आंसर जो है बी रहेगा। 34 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था, वो पूछा था श्री लाल शुक्ल को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो श्री लाल शुक्ल को राग दरबारी की रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 34 का आंसर डी रहेगा, राग दरबारी। 35 नंबर जो प्रश्न था, इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? तो जो इंदुमती कहानी के लेखक है वो है किशोरी लाल गोस्वामी। तो 35 का आंसर जो है बी रहेगा, किशोरी लाल गोस्वामी इंदुमती कहानी के लेखक है। 36 नंबर जो प्रश्न था वो था बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? तो जो बाण भट्ट की आत्मकथा है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। 36 का आंसर जो है बी रहेगा। प्रश्न नंबर 37, कितने पाकिस्तान के रचनाकार कौन है? यह रचना किसने लिखी है, कितने पाकिस्तान? तो कमलेश्वर ने कितने पाकिस्तान की रचना की है? 37 का आंसर जो है बी रहेगा। 38 जो प्रश्न पूछा गया था वो था आधा गांव जो है किसकी जो है कृति है? तो आधा गांव जो है जिसकी कृति है वो है राही मासूम रजा। इन्होंने जो है यह औपन्यासिक कृति आधा गांव की रचना की है। 38 का आंसर जो है सी रहेगा। 39 जो पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अलौकिक घटनाओं पर आधारित है? तो इसका आंसर रहेगा डी, जो कायाकल्प जो उपन्यास है वो अलौकिक घटनाओं पर आधारित होता है। तो 39 का आंसर जो है डी रहेगा। 40 नंबर जो प्रश्न आपसे पूछा था CUHP एंट्रेंस जो है 2017 हिंदी में, वो था कि 18 उपन्यास किसकी रचना है? तो जो 18 उपन्यास है यह राजेंद्र यादव की रचना है। तो 40 का आंसर जो है सी रहेगा। 41 नंबर जो प्रश्न पूछा था वो था उपन्यास पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई थी? तो जो उपन्यास पत्रिका निकाली गई थी वो निकाली गई थी किशोरी लाल गोस्वामी जी के द्वारा। तो इसका आंसर जो है 41 का ए रहेगा। 42 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था इसमें CUHP MA एंट्रांस 2017 में, रेणु किस प्रकार की उपन्यासों के लिए प्रसिद्ध है? तो जो रेणु है वो आंचलिक जो है उपन्यासों के लिए प्रसिद्ध है। तो 42 का आंसर जो है ए रहेगा। 43 नंबर जो प्रश्न पूछा था, कहानी पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? तो जो कहानी पत्रिका का प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1965 में। तो इसका आंसर जो है सी रहेगा, कहानी पत्रिका का प्रकाशन जो है 1965 में हुआ था। 44 पूछा गया था प्रश्न, कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो यह जो कहानी लिखी गई थी यह लिखी गई थी जो है नामवर सिंह द्वारा। इसका जो है ख आंसर होगा, नामवर सिंह द्वारा कहानी नई कहानी जो है रचना लिखी गई है। और 45 नंबर जो प्रश्न पूछा था वो था आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो यह जो कहानी है 11 वर्ष का समय, यह जो है सरस्वती जो है इसका आंसर रहेगा सी, आचार्य राम शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय जो है सरस्वती पत्रिका में यह प्रकाशित हुई थी। तो 45 का आंसर जो है सी रहेगा। 46 जो प्रश्न था वो था अनुमिति वाद का सिद्धांत किसने दिया? अनुमिति वाद का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका आंसर है जो है बी, जो है शकुंक ने जो है अनुमिति वाद का सिद्धांत दिया था। तो 46 का आंसर जो है बी रहेगा। 47 नंबर जो प्रश्न पूछा था, शांत रस का स्थाई भाव क्या है? तो जो निर्वेद है, 47 का आंसर बी रहेगा, निर्वेद शांत रस का स्थाई जो है भाव है। प्रश्न नंबर 48 पूछा था, रिपब्लिक किसकी रचना है? रिपब्लिक किसकी रचना है, यह प्लेटो की रचना है रिपब्लिक। तो 48 का आंसर जो है सी रहेगा। और रिपब्लिक में प्लेटो ने शिक्षा पर बहुत अच्छा जो है विस्तार से बताया कि शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए। 49 जो प्रश्न है वो है, काव्य जीवन की आलोचना है किसका कथन है? तो आर्नोल्ड ने ये जो है कथन बोला है कि काव्य जीवन की आलोचना है, ये जो है आर्नोल्ड का कथन है। तो 49 का आंसर ए रहेगा। 50 नंबर जो प्रश्न पूछा था वो पूछा था किस रस को रसराज कहा जाता है? तो जो श्रृंगार रस है इसको जो है इस रस को जो है रसराज कहा जाता है। 50 का आंसर जो है ए रहेगा। 51 जो प्रश्न पूछा था वो पूछा था, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है। 51 का आंसर जो है यह रहेगा बी। 52 प्रश्न पूछा था, पेरियुपोसस नामक रचना की रचयिता कौन है? तो इसकी जो रचना की रचयिता है वो है लॉजाइंस। तो 52 का आंसर जो है डी रहेगा, लॉजाइंस।
53 जो प्रश्न पूछा गया था वो था रस सूत्र की प्रणेता कौन है, तो रस सूत्र की जो प्रणेता है वो है भरत, तो 53 का आंसर रहेगा सी। 54 पूछा है संप्रेषण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो जो कम्युनिकेशन सिद्धांत है यह जो है हिगेल के द्वारा दिया गया, संप्रेषण सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया, यह हिगेल के द्वारा दिया गया। 54 का आंसर जो है सी रहेगा। 55 नंबर जो प्रश्न पूछा था वो था कि काव्यालंकार नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, काव्यालंकार नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, तो ये है भामह, भामह जो है काव्यालंकार नामक पुस्तक के रचयिता है। प्रश्न नंबर 56 जो पूछा गया था आपसे वो पूछा था कविता भावों का सहज उच्छलन है, यह किसकी काव्य पंक्ति है, तो वर्ड वर्थ की यह पंक्ति है कि कविता भावों का सहज उच्छलन है, यह जो है वर्ड वर्थ ने कहा था, तो 56 का आंसर बी रहेगा। 57 पूछा था बायोग्राफिया लिटरेरिया किसकी कृति है, तो जो बायोग्राफिया लिटरेरिया यह कार्ल रिज की रचना है, यह कॉलरिज की रचना है। 56 का आंसर जो है सॉरी 57 का आंसर जो है बी रहेगा, बायोग्राफिया लिटरेरिया जो है कालरिज की रचना है। 58 जो प्रश्न पूछा था वो था वाक्य रसात्मक काव्य किसकी पंक्ति है, तो यह विश्वनाथ की पंक्ति है, वाक्य रसात्मक काव्य जो है यह विश्वनाथ की पंक्ति है। 59 प्रश्न पूछा गया था अस्तित्ववाद के एग्जिस्टेंशियलिज्म के प्रवर्तक कौन थे, तो किर्केगार्ड जो है अस्तित्ववाद के प्रवर्तक थे, ये 59 का आंसर जो है ए रहेगा। 60 लास्ट नंबर जो प्रश्न पूछा था CUHP MA एंट्रेंस 2017 में वो था कि चंद्रालोक नामक अलंकार शास्त्र की रचना किसने की, तो चंद्रालोक नामक अलंकार शास्त्र की रचना जो है जयदेव ने की है। 60 का आंसर जो है सी रहेगा कि चंद्रालोक नामक अलंकार की रचना जयदेव ने की। तो थैंक यू वेरी मच, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक